जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल स्नैक्स सेवर YRY। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल स्नैक्स सेवर YRY। देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल स्नैक्स सेवर YRY। दोस्तों हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों हम लोग को आज सूचना मिला हुआ है कि बबीता का स्नेक बाइट हो चुका है। परिस्थिति हम आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल में बने रहें और देखते रहें। अभी हम लोग पहुंच रहे हैं बबीता का घर। दोस्तों जैसा कि अभी हम लोग यहां पर पहुंच चुके हैं, ये गोमो का ब्रिज है। जैसे देख सकते हैं ये ब्रिज काफ़ी सुंदर और काफ़ी बड़ा बना हुआ है। ये देख सकते हैं गाड़ी वहाँ से आ रही है। जैसे कि दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं बबीता का जहाँ हाउस है, घर है। तो चलिए देखते हैं बबीता का हाल चाल लेते हैं, क्या है सिचुएशन अभी का। और जैसा कि रात के अभी कभी 10:30 बज चुके हैं और जैसा हम लोग को सूचना मिला तत्काल हम लोग पहुँचे हैं और देखते हैं सर का हाल। आइए आप लोग भी देखिए और वीडियो पे चलिए बने रहें। प्रणाम सर। सर तो जैसा कि दोस्तों अभी सर की स्थिति देख सकते हैं, ये हाथ में काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग है और सूजन काफ़ी ज़्यादा है। पहले से कुछ रिकवर हो रहा है धीरे धीरे। आप लोग को दुआओं और आप लोग का प्यार चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके आप लोग भगवान से विनती कीजिए कि सर जितना जल्दी ठीक हो, ताकि इनके बदौलत लाखों यहाँ जो है लाखों लोगों का मतलब जो है कि एक अच्छा कर्म की वजह से उनका जो है भला हो रहा है। सांप भी बच रहे हैं जो रेस्क्यू करते हैं, और इनके द्वारा जो है कि जगह जगह पर कॉल आते हैं, इनके द्वारा परामर्श दिया जाता है। और सांपों के बारे में जानकारी और इनके पास जो जानकारी है वो अभी लगभग लगभग हम लोग के आसपास में तो ऐसे लोग हैं नहीं जिनको इतना सारी जानकारी है सांपों के बारे लेकर के। और किसी तरह का स्नेक बाइट हो तो उससे भी रिलेटेड, तो भगवान से विनती कीजिए, हाथ जोड़ रहे कि इनकी स्वास्थ्य जल्दी से जल्दी रिकवर करें और जल्दी ठीक हो सर। और तो दोस्तों देख सकते हैं स्लाइन चढ़ा हुआ है और अभी तक इनको जो है 10 से 12 एंटीवेनम जो है कि जा चुका है, इंजेक्ट हो चुका है। और अभी हम लोग कोशिश करेंगे कि सर को तो ज़्यादा बात करने के लिए नहीं बोला गया है, ताकि इनके गले में भी दिक्कत है जैसा कि वीडियो में आप लोग देखे हैं। और अभी यूट्यूब चैनल भी सर का भी जो है कि थोड़ा अभी कुछ दिनों से सर अभी रेस्ट में है और उसी दौरान सर्वदंश हुआ है। दोस्तों जानना चाहेंगे आप लोग कि सर्वदंश कैसे हुआ है। जो है कि स्नेक सेवर भाई हैं वो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें कि कोई भी सांप आप लोग थैला में डालने के बाद में जो थैला बांधा हुआ रहता है उस दौरान क्या है, सांप भी उसमें बंध चुका था और हमारे ही टीम का एक सदस्य के द्वारा इस तरह से सिचुएशन बांधने के बाद में वो अंदर ही रह गया था और उसमें जो है कि वो निकला हुआ था। झूला उठाते समय उसी दौरान सिर था और उसी दौरान उनके हाथ में बाइट हो चुका है। ट्रीटमेंट भी हो रहे हैं और काफ़ी हद तक काफ़ी जल्दी रिएक्शन किया था। तो दोस्तों सर्वदंश होने पे पैनिक ना हो, जैसे कि वीडियो में बताते रहते हैं और सर उस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान में रखते हुए देखिए और जल्दी जल्दी रिकवर भी हो रहे हैं। और बस दोस्तों तो कोशिश कीजिए, जब भी रेस्क्यू करते हैं तो बहुत केयरफुली रेस्क्यू कीजिए और घटना कहीं भी किसी तरह से हो सकता है, तो आप लोग को इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा ताकि आप सांपों को भी सुरक्षित रख पाइएगा और लोगों को भी और अपने आप को भी। तो रेस्क्यू करते समय भी ध्यान रखें और कोशिश करें दोस्तों। सर का यूट्यूब चैनल है स्नेक एक्सपर्ट बबीता,
जरूर उस चैनल को देखें और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आपका, क्योंकि बबीता भी उस चैनल में आ नहीं रहे हैं, तो आप उनमें जरूर देखें उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और उन पर इन्फॉर्मेशन बहुत सारे हैं स्नेक बाइट से रिलेटेड, स्नेक रेस्क्यू से रिलेटेड, स्नेक के बारे में बहुत सारी जानकारी। जी 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 बोलिए।